थाईलैंड ऑफर स्पेल 12 क्वालिफाई कर गए हैं, और क्वालिफाई करने के बाद आपका पास थाईलैंड जाने के लिए टाइम आ गया है, डेट आ गया है, आप आपका लगेज लेके एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट का बाहर में आप देखिए आपका और भी बहुत सारे एसोसिएट आ गए हैं, बहुत सारे लीडर आ गए, कुछ लीडर हाँ जो आपका साथ फ्लाइट से थाईलैंड जाने वाले हैं उनसे भी मुलाकात हो रहा है, और कुछ एसोसिएट जो आपको छोड़ने आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, आप उन लोग से बात किए, उसके बाद धीरे धीरे आप चेकिंग करने गए तो गेट में सिक्योरिटी आपका पास से टिकट देख रहा है, टिकट देख के चेक करके आपको एयरपोर्ट का अंदर भेजे। एयरपोर्ट का अंदर जाके आप फोटो उठाने लगे, ग्रुप में फोटो उठाने लगे, सिंगल फोटो उठाने लगे, चारों तरफ लाइट है, बहुत ही अच्छा जगह है। आप धीरे धीरे लगेज दे दिए एक जगह पे स्कैन होने के लिए, लगेज स्कैनिंग होने के बाद आप काउंटर पे पहुंचे, काउंटर पे आप लगेज जमा कर दिए, आपको बोर्डिंग पास मिल गया, जिस बोर्डिंग पास के जरिए आप फ्लाइट चल सकते हैं। आप बोर्डिंग पास ले लिए, बोर्डिंग पास लेने के बाद थाईलैंड जाने के लिए आप इमिग्रेशन का जगह पे पहुंचे, जहां पे इंडिया का गवर्नमेंट का ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं, वो आपसे पासपोर्ट मांगा, आप उनको आपका पासपोर्ट दिए, आपका पासपोर्ट को स्कैनिंग किया, आपसे पूछा आप थाईलैंड क्यों जा रहे हैं, आप बोले मैं कंपनी का टूर से मिला है इसके लिए थाईलैंड जा रहा हूं, आपसे बात की इमिग्रेशन के, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट हर एक बंदा को इंडिया से छोड़ने का पहले चेक करते हैं, तो आपको चेकिंग करके अंदर भेजे। उसका बाद आपका सिक्योरिटी चेकिंग पे आप चले गए, सिक्योरिटी चेकिंग पे जाके आपको आपका मोबाइल बैग घड़ी बेल्ट सब खोल के देना पड़ा काउंटर में, वहां पर देने के बाद आप स्कैनिंग के लिए गए, लड़के लोग का अलग लाइन लग रहा है वहां पर, उसका बॉडी सर्च हो रहा है, लेडीज के लिए अलग से बॉडी पूरा सर्चिंग हो रहा है कि आप कुछ लेके तो नहीं जा रहे हैं। सिक्योरिटी पार किए, पार करने के बाद अंदर जाने के बाद आप जो है आपका लगेज लिए, आपका जो मोबाइल घड़ी वगैरह सब ले लिए, और अंदर घुसते ही आपको लगा कि आप एयरपोर्ट में नहीं, एक शॉपिंग मॉल में आ गए हैं, बहुत सारे दुकान है, बहुत सारी चीज है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आप अकेले नहीं हो, स्मार्ट बोलो के कम से कम 100-200 लोग एक साथ है, सब ग्रुप फोटो उठा रहा है, अपना लीडर के साथ बात कर रहे हैं, करते करते धीरे धीरे आप पहुंचे, देख रहे कांच का बाहर से बड़े बड़े सब हवाई जहाज दिखाई दे रहा है जो लोग वहां पर खड़े हैं, धीरे धीरे आपका जो गेट नंबर है वहां पर आप लोग पहुंच गए, और गेट के जरिए आप लोग का वो बोर्डिंग पास को स्कैन हुआ, बोर्डिंग पास का चेकिंग करने के बाद आपको गेट का तरफ लेके गए। अब एरोवेज से पैदल चलते चलते धीरे धीरे देखे अचानक फ्लाइट का दरवाजा के सामने पहुंच गए, और जैसे ही आप फ्लाइट में चढ़ने गए वहां पर दो खूबसूरत लड़की आपको यार स्टेज आपको वेलकम कर रही है, आपका बोर्डिंग पास देख के आपको सीट नंबर बता रही है, आपको बैठा दे रहा है, आप सीट पे बैठ गए, आपको दिखा दिया कैसे आप अपना सीट बेल्ट लगा सकते हैं, यार स्टेज लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कैसे आपको फ्लाइट में चढ़ना है, कैसे करना है, हर चीज सीख ले रहा है, और उसका बाद धीरे धीरे आपका फ्लाइट चलना चालू किया, धीरे धीरे वो आगे निकलते गए, फिर रनवे तक पहुंचा, और रनवे से वो दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते अचानक वो आसमान में उड़ने लगे, जैसे आसमान में उड़ने लगे तो आप देखिए आपका बॉडी हल्का हो गया, जैसे आप झूले में बैठे हैं, आप खिड़की से नीचे तरफ देख रहे हैं, धीरे धीरे जो आपका छोटा छोटा घर जो है ना वो घर और छोटा होते जा रहे हैं, और आप धीरे धीरे ऊपर होते जा रहे हैं, और ऊपर होते होते आप धीरे धीरे देख रहे हैं आप बादल को पार करते हुए ऊपर जा रहे हैं, और कुछ टाइम बाद देखे कि आप जब खिड़की से देख रहे हैं तो नीचे आपको बादल दिखाई दे रहा है, बादल का ऊपर आप आसमान में है, तो उसी आसमान से आप चलते जा रहे हैं, और कुछ टाइम बाद आप धीरे धीरे अनाउंसमेंट हो रहा है आप थाईलैंड में पहुंच रहे हैं, थाईलैंड में आप पहुंच गए, वहां पर आपका फिर से लैंडिंग हो रहा है, लैंडिंग का टाइम पे थोड़ा सा जर्किंग होता है, थोड़ा सा प्रेशर आएगा, आपको थोड़ा डर लगेगा, मगर आप समझ गए कि आप विदेश में कदम रख चुके हैं, वहां पर आप पहुंच गए हैं, वहां से आपका फिर चेकिंग होगा, जैसे यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट आपको गिन के भेजेगा, वहां पर फिर से आपका इमिग्रेशन आपका पासपोर्ट लिया जा रहा है, वो लोग चेक करके आपको अंदर से एयरपोर्ट से बाहर निकलने दे रहे हैं, एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकल रहे हैं देख रहे हैं वहां पर मालिक माला लेके खड़े हुए है कि स्मार्ट वैल्यू के जो भी लीडर्स लोग अच्छी बार आए हैं उनको माला पहना रहा है, और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एसी बस इंतजार कर रहा है कि आपको होटल ले जाने के लिए, आपका थाईलैंड का सफर शुरू हो गया, और आपका
का पहला फॉरेन ट्रिप चालू कर दिए। धीरे धीरे आप खोलिए, लग रहा है था? जितना लोग थाईलैंड गए हैं ऐसे ही होता कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो बोला ना, आप जब जाओगे ना, मिला लेना ही होने वाला है। एकदम रियलिटी मैं बता रहा हूं, आप ना फोकस कर लो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मुझे जाना है। डेली सुबह विजुअलाइज कर सकते हैं ना? सिर्फ हम फ्लाइट का बोले, आप फ्लाइट के लिए विजुअलाइज कर सकते हो, आप बाइक चला रहे हो विजुअलाइज कर सकते हो, आप कार के लिए, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का बाइक आ गया होगा, आप कार चला रहे हो कार के लिए विजुअलाइज कर लो, आप घर बना रहे हो, कुछ भी जो आप इस अपना सपना है, हाँ, आप आईफोन से फोटो उठा रहे हो, विजुअलाइज करो ना, जो विजुअलाइज करोगे वही प्रैक्टिकल होगा। अब तक हम लोग तो भाग बंद करके सोच रहे थे, लग रहा था ना फ्लाइट में बैठे, भाग थोड़ा तो है। जो भी आप सपना देखते हो ना उसका कमी महसूस करना पड़ेगा। सपना तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो सपना रहता है, सपना तब पूरा होता है जब वो जरूरत बन जाता है। अपना सपना को क्या बनाना पड़ेगा? जरूरत, ये मुझे चाहिए, इसका सपना होगा नहीं है।